वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम टीवीएस को राइडर भन्ने मोडल विच इज 125 सीसी को रिव्यू र कॉस्ट इन नेपाल को कुरा गर्ने छौ। फर्स्टली 125 सीसी को सेगमेंट को बाइक को छुट्टे स्पेस र छुट्टे शान छ। जब 125 सेगमेंट को बाइक को कुरा हुन्छ, देन वी सी द गुड लुक्स, माइलेज अफ द बाइक एंड चीप प्राइस। आज भोलि सब बाइक कंपनी ने आपने एउटा न एउटा 125 मॉडल बाइक लॉन्च गरेकै हुन्छ। जसरी बजाज ले बजाज 125 पल्सर, एनएस 125, टीवीएस ले टीवीएस स्ट्राइकर, टीवीएस राइडर 125, केटीएम ले केटीएम ड्यूक 125, यामाहा को यामाहा सल्यूटो। तर इन्क्लूडिंग एनएस 125, ड्यूक 125 अनि पल्सर 125, यो सब भन्दा बढी एट्रैक्टिव र कम्फर्टेबल मलाई टीवीएस को राइडर भन्ने बाइक चाहिँ एकदमै मन पर्यो। नाउ लेट्स एक्सप्लोर द बाइक इन डिटेल एन्ड वाच द भिडियो टिल द एन्ड, नो द राइडर 125 प्राइस इन नेपाल। राइडर 125 को की स्पेसिफिकेशन को कुरा गर्ने हो भने, द इंजिन अफ राइडर इज 124.8 सीसी, जिसको मैक्स टॉर्क 11.2 एनएम एट 6000 आरपीएम रहेको छ, जबकि इसको मैक्स पावर रहेको छ 11.38 पीएस एट 7500 केपीएम। द टीवीएस राइडर हैज 5 गियर्स, जिसको फ्यूल टैंक कैपेसिटी 10 लीटर रहेको छ। बाइक को टोटल वेट चाहिँ 123 केजी रहेको छ। फ्रंट टायर इज 80x100 एंड रेयर टायर साइज इज 100x90। यो बाइक सेल्फले मात्र स्टार्ट गर्न सकिन्छ। देयर इज नो किक अप्सन एभाइलेबल इन द टीवीएस राइडर 125। द टीवीएस राइडर 125 हेज गट वन सिलिन्डर इन्जिन। यो बाइकमा सबभन्दा मन परेको कुरा यो बाइक एफआई रहेको छ। इसको फ्यूल लेवल गज डिजिटल रहेको छ र अरु पनि जस्तै ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, टैकोमीटर अल आर डिजिटल। अकॉर्डिंग टू टीवीएस इसको मैक्स स्पीड चाहिँ 99 किलोमीटर पर आवर रहेको छ। बट डिस्क ब्रेक इज अवेलेबल ओन्ली इन फ्रंट एंड इट हैज गॉट अ वेरी गुड माइलेज अफ 65 किलोमीटर पर लीटर। ओभरअल इफ यर गाइज आर प्लानिङ टु बाई दिस बाइक इन लो बजेट, आँखा चिम्लेर किन्दा हुन्छ, इट्स वर्थ डिजर्विङ। यसको हाइफर एज, राइड मोड, ब्लुटुथ कनेक्टिभिटी, मोनोसक्कर, हेडलाइट सेप्सले गर्दा मलाई एकदमै धेरै मन परेको बाइक आफ्टर केटिएम 125 कोही हो भने इट्स टिभीएस राइडर 125। बट अल्सो जब कस्टको कुरा गरेर जाने हो भने टिभीएस राइडर टप्स द लिस्ट। अब लास्टली चाहिँ कस्टको कुरा गर्ने हो भने, द कस्ट अफ टिभीएस राइडर 125 इन नेपाल इज 2,47,900। So this was all about Rider 125. Hope you guys like the video. Please do subscribe our channel. Till then, take care. Goodbye.